क्योंकि मुकाबला चल रहा है, टाइम अब समाप्त हुआ है और स्कोर है 25-21। 11 अंकों के फैसले के साथ के धोध का खिलाड़ी 7 नंबर जर्सी का ये प्लेयर इस समय 7 के डिफेंस में रेड कर रहे हैं। धोध के डिफेंडर फतेहपुर की टीम के कोर्ट में और यहाँ पे शानदार टैकल प्रयास किया गया था बालक के द्वारा इसके ग्रामीण प्रतिभा के फतेहगढ़ की खिलाड़ी और यहाँ से धीरे धीरे बढ़त को मजबूत बना रही है फतेहपुर। समय 12 अंकों की बढ़त हो चुकी है, 12 अंक हो गया है। इस समय स्कोर है 21 के मुकाबले 33 और 21 बहुत के। ये लंबे कद का खिलाड़ी जिसका अभी तक कोई तोड़ नहीं निकला है, अभी तक विक्रम पारी को धोध की टीम एक भी बार नहीं रोक पाई है। 21 ज्यादा से ज्यादा और ये धोध का रेडर छोटे कद का 7 के डिफेंस में बहुत बेहतरीन खिलाड़ी 12 नंबर जर्सी। ग्राउंड में एक अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं, अलग प्रकार का जोश होता है, अलग प्रकार का जज्बा होता है। बोनस अंक लेकर गया है बालक 12 नंबर की जर्सी का, बहुत ही शानदार प्रदर्शन हो चुका है। 22 के मुकाबले 33 तो 11 अंकों की बढ़त इस समय 33 फैसला अब भी 11 अंकों का। विक्रम पारी को पता है कि आराम से टाइम में निकालेंगे तो किसके माथे पर बनता है। यहाँ पे एक टच पॉइंट मिला है तो ये पहली लाइन लगेगी। यहाँ पे 4 अंक मिले हैं इस समय फतेहपुर को। अपनी टीम के लिए स्कोर हो गया है 13 अंकों की मजबूत बढ़त है इस समय फतेहपुर। लाइनिंग करवाई जाए, टाइम आउट, स्कोर हो गया है 37। सभी भाई एक एक बार शेयर करो भाई, 300 पार तक पहुंचाओ। अभी भी फासला बना हुआ है और जो भाई पेज पे पहली बार विजिट हुआ पेज को फॉलो जरूर करें। 13 अंकों का फासला बिल्कुल निहाल से कहा यहाँ पर फतेहपुर जीतने वाली है। इस समय 13 अंकों की बढ़त है इस समय तो 37 है इस समय स्कोर। और जो नीचे येलो कलर का स्टार आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्लिक करके आपके भाई को स्टार जरूर सेंड करें। लेकिन निर्णय बहुत है अपने निर्णय पर अड़िग से मत नहीं होते हैं ये दोनों सेना के जवान जो आज निर्णय के कोर्ट पर है। मैं साधुवाद देना चाहूंगा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसे निर्णायक महोदयों को। सर जी टाइमर की तो बचे इस समय 10 मिनट बाकी है, 9.5 मिनट बाकी है, अपना 9.5 मिनट का समय शेष है। ऑफिशियल टाइम आउट समाप्त, 5 मिनट 27 सेकंड हुई अभी ऑफिशियल टाइम आउट और ये फतेहपुर के समय विक्रम पारिक फिर से रेड कद का प्लेयर पारिक जिसका तोड़ दोस्त की टीम के पास अभी तक विक्रम पारिक यहाँ से आराम से लेकिन संभावनाएं कायम है नहीं कहा जा सकता। ऐसे पकड़ने वाले नहीं है विक्रम पारी, एक अंक और मिला यहाँ पे तो स्कोर हो चुका है 38-24, 14 अंकों की बढ़त है इस समय। बिल्कुल गोकुल भाई चेप रखा है काम को और ये 11 नंबर जर्सी का धोध का प्लेयर और इस बार राजू चोटी को दबाता है अंकों का बढ़कर फासला हुआ 15 प्राप्त करके 39-24 एक बार पुनः बढ़ोतरी की ओर 39-24 15 अंकों का फासला हो गया है। बिल्कुल सुरेश भाई मजे महा 15 अंकों का फासला हो गया है। लगता है ये शानदार मैच का मुजाहिरा आराम से
बहुत दिनों के बाद कर रहे हैं कोरोना की दिशा का राजू चोटी भी अब बाहर होने के बाद अब हमारी जीत है वो तय है देखने को मिल रहा है। और ये पुणे है बिल्कुल यहाँ पे रोहित भाई फतेहपुर की टीम जीतने वाली है। एक नंबर जर्सी मनोज धुरी है रेड पे देखते हैं बोनस का अटेम्प्ट लिया तो 25 के मुकाबले 39 25-39 तब भी 14 अंकों का फासला बना हुआ है। और ये लंबे कद का फतेहपुर का प्लेयर जहां की गिंदड़ और चंग का लड़ते बहुत शानदार पारिक 5 के डिफेंस में सेपरेट करके वापस अपने कोर्ट में लौटे। उन्हें पता है जाना जाता है यहाँ से 8 मिनट चौथ का ये एक नंबर का प्लेयर जर्सी पहने हुए और विपक्षी खेमे में अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए प्रयास के हर दिन किया गया है आराम से खेल को खेल की भावना से खेले। बोनस अंक जरूर मिला यहाँ पे रेडर को एक बोनस प्लस एक दोनों टीमों को इसके मुकाबले 40-26 अभी भी 14 अंकों का फासला बना हुआ है। लेकिन ये देखा जाएगा और डिजिटल के स्टार आप हमें सेंड कर सकते हैं येलो कलर का आपको बटन दिखा दे रहा है वहाँ पे क्लिक करके ये अभी भी रहस्य बहुत से भाइयों को बना हुआ है तो जिन भाइयों को फ्री स्टार मिले हुए हैं वो तो जरूर सेंड करें क्योंकि कई कई चीजें राज की राज रह जाती है कई राज खुल भी जाते हैं ये देखना है संभावनाएं टाइम भाई 8 मिनट से कम जा सकती और ये 7 नंबर जर्सी का और इस बार सुरेंद्र का शानदार टैकल फुर्तीला खिलाड़ी था लेकिन एक अंक फतेहपुर की टीम ने प्राप्त किया है। अंकों का फासला बढ़कर हुआ 15-26 हो चुका है इस समय अभी भी 14 अंकों का फैसला 15 अंकों का फैसला 41-26 15 अंकों का फैसला अभी भी बना हुआ है। विक्रम पारी का हो गया है सुपर टैकल होना लेकिन विक्रम पारी यहां से नहीं उठाएंगे। बड़ा फैसला बहुत बढ़ता जा रहा है खिलाड़ियों को कर दिखाना होगा। 5 नंबर की जर्सी का ये दौड़ का खिलाड़ी बहुत ही शानदार प्रदर्शन रनिंग बोनस का प्रयास किया और बिल्कुल बोनस अंक बोला के लिए एक अंक और जोड़ते हुए 27 अंक के साथ 27-41 का स्कोर 41 विपक्षी के में फतेहपुर का स्कोर अब भी जो फैसला है वो तो बहुत बना हुआ है। ये दर्शक दिल थाम कर बैठे हैं क्योंकि फासला बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे शानदार किक लगाई है पारिक ने एक अंक और प्राप्त किया है इस लंबे कद के खिलाड़ी ने प्रेमाराम जी ये सिक्कर में चल रहा है जिसपे जो भी भाई पेज पे पहली बार विजिट हुआ पेज को फॉलो जरूर करें भाई। और दबोच लिया गया है ये खिलाड़ी एक अंक भाई और मिला पास का समय ये लंबे कद का भाई लाला को मैच दिखाने पर 100 रुपए इनाम बहुत बहुत धन्यवाद भाई। 3 अंक प्राप्त किए तो चोट लग गया है पेनल्टी लग चुकी है और 46-27 फासला बढ़ता हुआ अब लगता है शायद दबोच लिया गया है खिलाड़ी अब लगता है बहुत का पक्ष दे रहे हैं लेकिन यहाँ से पता पर भी नजर आने वाला फिर भी संभावनाएं अपार हैं क्योंकि पिछली बार जो बालिका